हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया गया है, जिसकी गति 120 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ये डिक्टेशन सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। आपको किसी तरीके की अगर समस्या होती है आउटलाइन बनाने में या फिर स्पीड नहीं बढ़ रही है उसमें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहीं से आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी। राहुल गांधी को अपना अदानी राग फिर याद आ गया और वह उसे अकेले अलापने में जुट गए हैं। कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि भाजपा आपकी जमीन छीनकर अदानी को देना चाहती है। कुछ समय पहले उन्होंने अचानक अदानी को कोसना बंद कर दिया था। संभवतः उसका कारण यह था कि कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अदानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC की मांग को खारिज कर दिया था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि शरद पवार के राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाने से राहुल गांधी ने फिर से अदानी समूह को निशाने पर लिया। राहुल गांधी चुनिंदा उद्योगपतियों को कोसने का काम इसके पहले भी करते रहे हैं। राफेल विमान सौदे के समय वह अनिल अंबानी के पीछे पड़ गए थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता का पैसा खुद अपने हाथों से अनिल अंबानी की जेब में डाला है। इसी तरह जब 3 नए कृषि कानून बने तो वह गौतम अदानी के साथ मुकेश अंबानी के भी पीछे पड़ गए थे और ऐसे बेतुके आरोप लगाने लगे थे कि मोदी सरकार इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन छीनकर अदानी अंबानी को देने का इरादा रखती है। राहुल गांधी ऐसे भी आरोप उछालते रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और उनके ही इशारे पर चलती है। हालांकि राफेल विमान सौदे में मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाने के चलते राहुल को मुंह की खानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वह अपनी भूलों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उन्हें कोई यह याद दिलाने वाला भी नहीं कि वह जिस अदानी समूह को कोसते हैं उसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार दिसंबर 2021 में सोलर प्लांट लगाने के लिए 1600 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला कर चुकी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राहुल गांधी राजस्थान जाकर यह प्रश्न उठाएं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदानी समूह को इतनी अधिक जमीन क्यों दे दी? राहुल को यह भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि अदानी और अंबानी समूह उस समय फले फूले जब गुजरात और महाराष्ट्र के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। राहुल ने कारगिल की रैली में यह भी कहा कि चीन ने लद्दाख की
हजारों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर झूठ बोल रहे हैं। क्या वह बताएंगे कि 1962 में चीन ने भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन क्यों हथिया ली थी? राहुल गांधी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह भान होना चाहिए कि अनर्गल आरोप उनकी विश्वसनीयता को ही कम करते हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व देश में पेट्रोल डीजल के विकल्प वाले ईंधन पर तेजी से काम हुआ। इसमें बैटरी चालित मोटरसाइकिल, स्कूटी व कार का इतना उत्पादन होने लगा कि आज इनके लगभग 20% वाहन सड़क पर दिख रहे हैं। बैटरी चालित कारें भी बाजार में आ गईं, लेकिन ज़्यादातर तिपहिया वाहन CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चल रहे हैं। शुरुआत में CNG ईंधन की आपूर्ति व फिलिंग स्टेशन की कमी थी, लेकिन अब यह अधिकतर जगह उपलब्ध हो गई है। हालांकि इसकी कीमत अब डीजल पेट्रोल के लगभग बराबर तक पहुंच गई है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अब हाइड्रोजन ईंधन को परिवहन उद्योग का भविष्य बताया जा रहा है। इसे लेकर झारखंड सरकार टाटा मोटर्स व टाटा कमिंस में एक महत्वपूर्ण समझौता संभावित है। यह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में परिवहन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह बात सामने आई कि भारी वाहन के लिए बैटरी विकल्प नहीं हो सकता। इसमें लगने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आदि का देश में पर्याप्त भंडार नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप भी चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से आयात करने की कठिनाई शुरू से महसूस की जा रही है। वही हाइड्रोजन गैस ऐसा ईंधन है जिसे कहीं भी बनाया जा सकता है। इस ईंधन का कच्चा माल जल है। हाइड्रोजन गैस से चलने लायक इंजन का निर्माण टाटा कमिंस करेगी। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में काम हो रहा है। झारखंड सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम है साबित होगा। ज़रूरत है इसे ठीक से अमलीजामा पहनाने की, जिससे पर्यावरण के लिए सबसे मुफीद ईंधन से पूरा परिवहन उद्योग दौड़े। तो थैंक यू।